राम मंदिर का शिलान्यास होने की खुशी में करनाल के गांव बीबीपुर जाटान में शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि चंद्रमोलेश्वर महादेव मंदिर के महंत दिगंबर कल्याणपुरी ने दीप प्रज्वलित कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पूर्व मंदिर के पुजारी मोहनलाल ने मंत्रों उच्चारण किया, जिसके बाद पूरे गांव में प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर पुजारी मोहनलाल व आचार्य रामफल ने कहा कि 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, सभी लोगों के लिए यह बहुत खुशी की बात है। जैसे 14 वर्षों के वनवास के उपरांत अयोध्या में दिए जलाए गए थे, उसी तरह से राम मंदिर निर्माण में लगे 500 वर्ष हमारे लिए भी वनवास से कम नहीं थे। आज इस वनवास का अंत हुआ है, इसीलिए आज रात्रि पूरे गांव में दीप जलाए जाएंगे। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। शर्मा, पुजारी चंद्रमोलेश्वर महादेव बीबीपुर जाटान। आज श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में हम सब युवाओं ने, पूरे गांव ने मिलकर के अपने मन को, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने मन में भावना रूपी दीप को प्रकाश फैलाने के लिए शोभा यात्रा निकाली है। पूरे गांव का इसमें सहयोग मिला है और दिगंबर कल्याणपुरी जी महाराज के द्वारा हमको पूर्ण आशीर्वाद के साथ उनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। उसके उपरांत ये शोभा यात्रा, भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा पूरे गांव में निकाली जाएगी, जिससे घर घर तक श्री राम जी का ये संदेश जाए और एक नव राम राज्य की जो स्थापना है, जो हमारी आस्था है, श्रद्धा है, वो घर घर तक फैले। इसलिए हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये शोभा यात्रा का आरंभ किया है। हम चाहते हैं कि राम मंदिर के पास हम अयोध्या में कोरोना वायरस की वजह से नहीं जा सके, इसलिए राम की आस्था, राम की चेतना, राम के विचार, राम का कर्म, राम का धर्म हर घर तक पहुँचे, हर जन जन तक पहुँचे, इसलिए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान। हम आज सभी ग्राम निवासी अपने गांव में भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें सभी ग्राम निवासियों का सहयोग है और मंदिर में बाबा श्री दिगंबर श्री कल्याणपुरी जी महाराज ने और सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के यह शोभा यात्रा निकाली है, जिससे ग्राम में सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण में पता चले और सभी का सहयोग, इस उपलक्ष्य में सभी का सहयोग हमें भी मिले और भगवान श्री रामचंद्र के निर्माण के लिए अयोध्या में भी सबको जो है सहयोग मिले। इसलिए हम सभी ग्रामवासी निवासी मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के यह शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.